अपने व्लॉग्स में मैं आपको ये भी बताता चलूंगा कि तुर्की में बतौर सयाह आप क्या क्या कर सकते हैं। तुर्की इस्तांबुल में फ्री ट्रिप क्रूज के जरिए आप दिन के वक्त भी इंजॉय कर सकते हैं और इवनिंग का भी अलग मजा होता है। अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं अपने क्रूज पर। थोड़ी देर में हमारा ट्रिप होगा समंदर में, ब्लैक सी भी होगा और एक साइड पे यूरोप और दूसरी साइड पर एशिया। तो इरशाद, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिप रहेगा इंशाल्लाह, लोग भी इंजॉय करेंगे इसको। हमारा डिनर भी होगा इस क्रूज में और बहुत ही अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, बिल्कुल जैसे 5-स्टार होटल में रेस्टोरेंट होता है बिल्कुल वैसा ही है। शिप भर गया है, पैसेंजर टूरिस्ट आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। इस वक्त इस क्रूज में मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग बैठे हैं, कनाडा से, इंडिया से, फ्रांस और दीगर भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मेहमान क्रूज का ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं। हमारा फेरी ट्रिप शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं इस वक्त हम अपने टर्मिनल से रवाना हो चुके हैं। फॉस्फोरस ब्रिज है सामने, एक तरफ एशिया दूसरी तरफ यूरोप, हम इस ब्रिज से पास होके जाएंगे। रात को मौसम बड़ा ठंड होता है, अब भी बहुत तेज़ हवाएं हैं ठंडी, इसलिए लोग भी ऊपर नहीं हैं, सारे फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे हैं। देख सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा क्रूज है, बहुत ज़्यादा सयाह आते हैं और तुर्की इस्तांबुल में क्रूज ट्रिप एंजॉय करते हैं।
एक ब्रिज हमने क्रॉस कर लिया, बॉस्फोरस ब्रिज। अभी आप देख सकते हैं नज़ारे यूरोप साइड के और बैक पे एशिया साइड के, दोनों साइड भी बड़े खूबसूरत हैं। दूसरा ब्रिज भी हमें नज़र आ रहा है, थोड़ी देर में हम पहुंचेंगे इंशाल्लाह दूसरे ब्रिज पे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। They never leave us alone. During the First World War, they were with us. They sent us their necklace, their bracelet, their rings. So we say, Jive, Jive, Pakistan! Pakistan, Jive, Jive, Pakistan! इरशाद भी बाहर आया है, मौसम चूंकि बहुत ठंड है। इरशाद अब तक क्या फीलिंग्स हैं? बस बहुत चिलिंग मौसम है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। और भी एंजॉय करना है हमने और आपको भी एंजॉय कराना है। ये दूसरा पुल है, तकरीबन 30 मिनट फासला हमने तय किया है। ये भी उसी तरह का है, आधा एक सर एशिया में और दूसरा यूरोप में। इंतहाई खूबसूरत मंजर है, ये आप देख सकते हैं। ये है वो दूसरा पुल, इससे भी हम अंदर पास हो चुके हैं और तकरीबन थोड़ी देर में हमारा ट्रिप भी ख़त्म होने वाला है, फिर वापसी होगी यहाँ से अपने स्टेशन तक। तो तकरीबन 40-50 किलोमीटर हमें वापसी जाने में भी लगेंगे। इस दौरान हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, फिर से हम क्या देखते हैं, वो भी इस व्लॉग में हम डालेंगे। हमारा फेरी का ट्रिप मुकम्मल हो गया, नीचे उतर रहे, वापसी है होटल और फिर देखेंगे कल। ना ना ना।